पिंग वाली लाइन में लग चुके हैं और हमने अपने सारे टैचू को इस तरह कवर करवा लिए क्योंकि सेव हो जाए। चाय पियेंगे, साथ बिस्किट खाएंगे। तो मैच देखने जा रही हूँ जर्मनी। हाँ जी। आयत के कान बंद हो रहे बार बार। अब इतने नजदीक नजदीक आ गए बादलों में, बस अब हम बादलों में जाने लगे हैं। आयत वो देखो, देखो जहाज हिलना शुरू हो गया है। दिस इज ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं वापस अपने घर जर्मनी और दिल बस बहुत ज़्यादा उदास हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एक ख्वाब थी और जब सोचो तो पता चलता है कि हाँ हम पाकिस्तान भी आए थे। इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, कैसे इस टाइम हम एयरपोर्ट में हैं और वेटिंग रूम में बस हम वेट कर रहे हैं और बाबा इनके बोर्डिंग करवा रहे हैं, यानी कि लाइन में लगे हैं। तो मैंने कहा बच्चों को लेके आराम से हम यहाँ चिप्स इंजॉय कर रहे हैं। हमारे दिन कैसा गुजरेगा, हमारा सफर कैसा रहता है, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और आगे फिर जर्मनी के लोग स्टार्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान के तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने क्या क्या किया पाकिस्तान में। और फिर इंशाल्लाह जर्मनी का भी देखेंगे कि जर्मनी जाके हम लोग क्या क्या करते हैं। हमारे साथ ही का वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सोफे पे बैठने के लिए हमें स्काई ब्लू हमारे पास ड्रेस में जरूर होना चाहिए, जैसे कि मैंने दुपट्टा लिया है। ये आयत साहिबा ने अपना ट्राउजर पहना है और परी साहिबा तो पूरा का पूरे शर्ट ही सेम टू सेम पहना ही है फ्रोजी कलर का। पर बहुत ज़्यादा बाखें बंद हो रही हैं, घर जाके भी मैं सोई नहीं थी जहाँ हम गए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा किया। हल्ला गुल्ला किया, अपने पुराने वाले मोहल्ले में गए थे, पुराने लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं मिला। अब मैं जाके प्लेन में ही सोऊंगी और फिर क्या करते हैं, बस सफ़र अच्छा सा गुजर जाए। अभी तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। पिंग वाली लाइन में लग चुके हैं और हमने अपने सारे टैचू को इस तरह कवर करवा लिए क्योंकि सेव हो जाए और बस अब बोर्डिंग होती है। फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत है ये कराची का एयरपोर्ट भी। ये कितने प्यारे प्यारे फानूस लगे हुए हैं। परी को पूरा महीना याद नहीं आया कि ये वाली शर्ट लेनी है, बट झंडे भी लेने थे। हैं? झंडे लेने थे वो। हाँ झंडे भी लेने थे, वो भी नहीं याद आया। और ये पाकिस्तानी ये शर्ट है, इसने लेनी है क्या? ठीक है, मैंने यहाँ से लेनी है। और ये कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन वाली चीज़ें यार, ये देखो एलिफेंट और ये सारी सकाफती चीज़ें भी हैं, खूबसूरत सी। काफ़ी बड़ी शॉप है एयरपोर्ट के अंदर। हाँ ठीक है, सही है, प्यारी है। जी फ्रेंड्स, बोर्डिंग हमारी हो गई है और अब हम जा रहे हैं अपने एरोप्लेन वाली साइड पे। हेलो, हाय, चाय भी आ गई है। चाय पियेंगे, साथ बिस्किट खाएंगे। तो मैच देखने जा रही हूँ जर्मनी। हाँ जी, चाय पीते हैं फिर तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा, फिर जाएंगे एरोप्लेन। Few moments later. चले चले चले, भागो ध्यान से, बस गिरना नहीं है आपने। ओके, हेलो, ओके जी, हम एरोप्लेन में आ चुके हैं अपने और अब अपनी अपनी सीटों पे बैठते। ओके जी, हम बैठ गए हैं अपनी अपनी सीटों पर। ही तुमने तो सीट मैचिंग की हुई है ग्रीन की दिन, ये क्या बात हुई? हम परी को मिल गए हैं, परी को मिल गए हैं विंडो सीट। और अभी थोड़ी सी फाइट हो रही थी अब्दुल्ला एंड परी की, वो कह रहे थे मैंने बैठना है, बट परी जीत गई और अब्दुल्ला साहब यहाँ बैठ गए। ओके जी, यहाँ जी हो गई है लाइटें शाइटें बंद, विंडो भी बंद कर दी थी उन्होंने। एक एक पैकेट दिया है और इसको ओपन करके देखते हैं। हर दफ़ा हर एरोप्लेन वाले डिफरेंट चीज़ें देते हैं, तो ये देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। वाह जी वाह, इन्होंने तो मेरी ही मतलब की चीज़ें दे दी हैं। उन्होंने कहा जी आप बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही हैं, ये लगाएं आँखों को और अपने सॉक्स चेंज करें, इजी हो के जो है ना आप सोएं। और आई नो कि इस ब्लॉग में एनर्जी नहीं आ रही, इसकी कुछ वजूहत है, यानी कि एक तो ये कि मुझे मेरी नींद नहीं पूरी हुई दो चार दिनों से, दूसरी ये कि भाई अपनों को छोड़ के हम जा रहे हैं वापस और ये भी दिल उदास है, तो इसलिए भी
मुश्किल हो रहा है, तो शायद सोऊंगी, थोड़ा सा सोने के बाद उठूंगी तो हो सकता है एनर्जी आ जाए। अभी मैंने आँख ही लगाई थी कि उन्होंने कहा अभी रुक जाएं, सोना नहीं है, नाश्ता कर लें, नाश्ता करने के बाद फिर आराम से सोइएगा, फिर सही वाली एनर्जी आएगी। तो चलो हमने सोचा कि ठीक है नाश्ता करते हैं और फिर आराम से सोते हैं, और नाश्ता भी बहुत मज़े का था। फिर नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या होता है आगे। आगे हमारे साथ रहिएगा, वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। नाश्ता नुश्ता करके हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा नींद ली है, और आयत भी सो गई थी। आयत अब उठी है, आयत इधर देखो, आयत फ्रेश शो के आई है। ऐसे करो, ऐसे आयत के खान बंद हो गए। आयत वो कह रही है बेल्ट लगा लो, अब हम नीचे जा रहे हैं ना। इधर देखो आपके क्या क्या कैसे गीला हो जाएगी। नहीं नीचे पानी नहीं है, पानी में तो नहीं जा रहा, बस मुझे नीचे समंदर है, वो तो दूर दूर है, और वो कह रही है कि ये गीला हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं सकता जी। वो कह रही है सबसे कि बेल्ट शर्ट लगा लो क्योंकि हम जा रहे हैं इस्तांबुल। यहाँ से देखो जी पानी पानी नीचे, ये आयत बैठी है यहाँ, कोई कुछ पढ़ रही है, देख रही है पेपर की, उसका क्या कहते हैं, एरोप्लेन, वेरी गुड। ये क्या है, एरोप्लेन। इतने नजदीक नजदीक आ गए बादलों में, बस अब हम बादलों में जाने लगे हैं। आए तो देखो 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 देखो, बादलों में जा रहा है हमारा एरोप्लेन, बादलों में से गुजरने लगा है, और फिर उसके बाद हम नीचे ये धुआं धुआं हो जाएगा सारा, और जहाज हिलना शुरू हो गया है। दिस इज ओ माय गॉड, जहाज अच्छा खासा हिल रहा है, पहले बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि हम एरोप्लेन में बैठे, बट एरोप्लेन अब अच्छा खासा हिल रहा है क्योंकि वो बादलों में से गुजर रहा है। ओ ओ हो, भाई देख रही आप, ये देखो कैसा है, ना धुआं धुआं हो गया सारा क्योंकि ये सारे बादल हैं, बादलों में से हम जा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले शोर के लिए सॉरी कि जब जहाज़ में बैठते हैं तो ये जहाज़ की इतनी तो आवाज़ आती है, तो हम जब नीचे भी होते हैं अपने घरों में होते हैं और जहाज़ ऊपर से गुजरता है तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, बट ये जो जितनी आ रही है ना आप लोगों को इसमें यानी कि वीडियो में, तो इतनी ही तकरीबन होती है कि एक दूसरे की आवाज़ आती है, अच्छे से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो सॉरी इस चीज़ के लिए। और दूसरी बात ये कि जब जहाज़ ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो तब, और जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो कान बंद हो जाते हैं, और अक्सर बच्चों यानी कि बच्चे, अक्सर लोगों के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बट शुक्र है अल्लाह का कि आयत और आयज़ल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। या तो वो सो रही होती हैं, अगर जाग रही होती है तो हम उनको इतना ज़्यादा यूँ बातों में लगा देते हैं इस तरह के, रुझान उनका ये नहीं कि इस तरफ ना जाए, बट यहाँ आयत के कान बंद हो रहे थे बार बार, पर मेरा यही था कि मैं आयत को बाहर दिखाऊँ और ये सारा कुछ कि वो इतना ज़्यादा फील ना करे। अच्छा खासा यानी कि बड़े लोगों को भी ये मसला होता है कि कान बंद हो जाते हैं और खुलते नहीं हैं, पर यह कि जब जहाज़ बिल्कुल ऊपर चला जाता है ना तब बिल्कुल सही हो जाते हैं, बट ये कि जब जा रहा होता है या नीचे उतर रहा होता है तो तब कान अच्छे खासे बंद होते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है। सब उठ गए अपनी अपनी सीटों से और हम भी उठ अपना सामान सारा इकट्ठा करते हैं और फिर चलते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर पोमस खाते हैं। हैं और यहाँ का इस्तांबुल का भी एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, वैसे काफ़ी यानी कि दोहा भी गए हैं, दुबई भी गए हैं और काफ़ी एयरपोर्ट देखे हैं, बट यहाँ ये वाला जो एयरपोर्ट है फर्स्ट टाइम आया, काफ़ी खूबसूरत है।
जा रहे हैं एक एरोप्लेन से उतर के दूसरे एरोप्लेन की तरफ जाने में गाड़ी हमने ले ली है और मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम इस्तांबुल से जर्मनी कैसे गए, हमारा सफ़र कैसे रहा और हम घर तक कैसे पहुँचे। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।